पाइल्स या बवासीर क्यों होता है आयुर्वेदिक इलाज। बवासीर होने पर गुदा के अंदर और बाहरी हिस्से की शिराओं में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से गुदा के अंदरूनी हिस्से में या बाहर के हिस्से में कुछ मस्से जैसे बन जाते हैं, जिनमें से कई बार खून निकलता है और दर्द भी होता है। आमतौर पर लोग यह बीमारी होने पर कहने में हिचकिचाते हैं या फिर इसे नजरअंदाज करते हैं। पाइल्स होने के कारण व्यक्ति को कब्ज, मल त्याग के दौरान दर्द, जलन एवं अन्य कई तरह की समस्याएं होती है। बवासीर होने का मुख्य कारण गुदा व इसके आसपास रक्त वाहिकाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ना होता है। कई बार अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक कब्ज होती है तो मल त्याग के दौरान व्यक्ति को अतिरिक्त दबाव देना पड़ता है। ऐसे में मलाशय और गुदा के भीतर रक्त वाहिकाओं पर दबाव बढ़ जाता है और उनमें सूजन व दर्द होने लगता है और व्यक्ति को बवासीर की शिकायत हो जाती है। इस वीडियो में हम आपको पाइल्स या बवासीर से छुटकारा पाने के लिए आयुर्वेदिक उपचार के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे रहे हैं, जिससे इस समस्या से जल्द ही राहत मिलती है। मोबाइल व ईमेल नोटिफिकेशन के जरिए आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू नुस्खे एवं स्वास्थ्य संबंधी नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और YouTube के बेल आइकॉन को प्रेस करें। पाइल्स का आयुर्वेदिक उपचार। पाइल्स गॉन कैप्सूल बवासीर का प्रभावशाली आयुर्वेदिक उपचार है। यह कैप्सूल दर्द और परेशानी से राहत देते हैं और रक्तस्राव को रोकते हैं। यह अपच और कब्ज की समस्या को हल करते हैं और इस समस्या से छुटकारा दिलाते हैं। यह आयुर्वेदिक कैप्सूल खून को साफ करती है और शरीर की गंदगी को खत्म करती है। यह आयुर्वेदिक इलाज पेट संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है और बिना ऑपरेशन के बवासीर की समस्या से छुटकारा दिलाता है। यह आयुर्वेदिक उपाय आंतरिक और बाहरी दोनों बवासीर के लक्षणों को दूर करने में मदद करता है। यह नियमित और आसान मल त्याग को बढ़ावा देता है। यह कैप्सूल मल त्याग के दौरान रक्तस्राव को नियंत्रित कर खूनी बवासीर में राहत प्रदान करने के लिए अत्यंत कारगर है। जड़ी बूटियों से निर्मित पाइल्स गॉन कैप्सूल सबसे अच्छे बवासीर के प्राकृतिक उपचार में से एक है, जो दर्द और खुजली से राहत देता है। कुछ ही समय में राहत प्रदान करने के लिए बह रहे खून को पूरी तरह से बंद कर देता है। पाइल्स गॉन कैप्सूल किसी भी उम्र के पुरुषों और महिलाओं द्वारा लिया जा सकता है और यह सबसे सुरक्षित हर्बल उपचार है। पाइल्स गॉन कैप्सूल के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। पाइल्स से बचाव। एलोवेरा जेल। पाइल्स में एलोवेरा जेल फायदेमंद होता है। एलोवेरा में विटामिन ई, विटामिन सी जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लामेटरी गुण भी होते हैं। इसे गुदा के पास लगाने से जलन में राहत मिलती है और एलोवेरा का उपयोग करना पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। सेंधा नमक। पाइल्स की बीमारी जिन लोगों को होती है उन्हें स्टूल पास करने में दिक्कत होती है। जो लोग स्टूल पास करने के बाद सेंधा नमक वाले पानी से नहाते हैं उन्हें दर्द की समस्या से बहुत राहत मिलती है। ऐसे में पाइल्स रोगी को हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। सेब का सिरका।
सेब का सिरका रक्त वाहिनियों को सिकुड़ने में मदद करता है। खून बवासीर में एक गिलास पानी में सेब के सिरके का एक चम्मच डालकर दिन में दो बार पिएं। कादी बवासीर में सेब के सिरके में रुई भिगाकर गुदा में रखें, सेब के सिरके से जलन और खुजली से राहत मिलेगी। निष्कर्ष। इन उपायों के साथ यदि आयुर्वेदिक पाइल्सगोन कैप्सूल का सेवन किया जाए तो परिणाम बहुत ही अच्छे मिलते हैं। अपने दैनिक जीवन में यदि आप घरेलू और आयुर्वेदिक उपायों को एक साथ शामिल करते हैं तो संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे। पाइल्सगोन कैप्सूल में अत्यधिक लाभकारी और प्रभावी जड़ी बूटियां होती है, जैसे जड़ी बूटियां रीथा, काली जीरी, हरिताकी आदि। यह जड़ी बूटियां पाइल्स की समस्या से निपटने में अत्यंत फायदेमंद है। पाइल्सगोन कैप्सूल। सौ प्रतिशत प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित। 1,00,000 से अधिक संतुष्ट ग्राहक। GMP प्रमाणित गुणवत्ता। संपूर्ण भारत में उपलब्ध। पाइल्सगोन कैप्सूल फ्रॉम आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन .in। प्रोडक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप इस तरह की वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें और वीडियो को सोशल साइट्स पर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े और हमारी आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए YouTube के बेल आइकॉन को प्रेस करें।